ज़ौकियकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि जेनू ने 2021-22 का अपना ई प्रोस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द ही वो एप्लीकेशन की डेट्स वगैरह अनाउंस करेगा, जिससे तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। वहाँ के वीसी मामी डाला जगदीश कुमार का कहना है कि पैंडमिक की वजह से हम अपने एकेडमिक ईयर को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, लेकिन एडमिशन्स होंगे जिस तरीके से पिछली बार हुए थे। पिछली बार में भी एडमिशन हुए थे, एंट्रेंस हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, जिन सब्जेक्ट में इंटरव्यू रखा गया था उसका इंटरव्यू भी ऑनलाइन लिया गया था, और जो एडमिशन की प्रोसेस है उसको भी ऑनलाइन ही पूर किया गया था। सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही हुई थी और बच्चे अभी भी एडमिशन लेके जेएनयू में ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कैंपस का चेहरा नहीं देखा है। तो जल्द ही हम अपने एकेडमिक एक्टिविटी को कैंपस में चल के रिज्यूम करेंगे, ऐसी कामना की जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जेएनयू एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी, लोकेशन के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही सस्ती है। एक सेमेस्टर का यहाँ का जो फीस है पीएचडी का वो 120 रुपये है, बहुत ही सस्ते में आप बीए, एमए और पीएचडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से जारी किया जाता है, इसके अंदर जेएनयू को दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का 2021-22 का है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सीट्स कितनी होंगी, सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी ज़रूरी जो चीज़ें हैं कोटे वगैरह के ताल्लुक से, ओबीसी का क्या कोटा है, विजुअली कोई चैलेंज है उसका क्या कोटा, सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने एडमिशन के बारे में कोई डेट या कोई टाइम टेबल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, इन्होंने एमबीए के बारे में एक एडमिशन नोटिस निकाला था, जो कि इससे पहले ही निकाल चुके थे, जिसमें लोगों को इन्वाइट किया गया था कि वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट कर दें ऑनलाइन, तो उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है और वो 9 जुलाई तक कर दिया गया है। तो आप लोग जल्द अज जल्द जितना हो सके, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप अप्लाई कर दें, अभी 2-3 दिन बाकी है। उसके अलावा कि इन्होंने बारे में कहा है कि जो टाइम टेबल है एडमिशन का दूसरे कोर्सेज़ के लिए, वो डेट्स टू बी अनाउंस लेटर, वो बाद में इसके बारे में बताएंगे। तो जैसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, और हम आप वीडियो डालते रहेंगे बराबर। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए और जेएनयू से अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल ज़ौक़ यकी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।